कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का पीएम मोदी पर ट्वीट वॉर, गुजरात शिक्षा पर सवाल उठाते हुए पूछा, सरकारी शिक्षा पर खर्च में 26वें नंबर पर क्यों है गुजरात। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की, निकाय चुनाव में पार्टी की जीत की बधाई दी। शिवसेना ने फिर बोला बीजेपी पर हमला, यूपी के निकाय चुनावों का जिक्र करते हुए सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर साधा निशाना, लिखा योगी गढ़ में हार की नहीं थी उम्मीद। यूपी के निकाय चुनावों में पार्टी की जीत से बसपा सुप्रीमो मायावती गदगद, बीजेपी पर निशाना साधते हुए बोली, ईवीएम में छेड़छाड़ ना की गई होती तो हम और सीटें जीतते। ओखी तूफान में फंसे मछुआरों को वायुसेना ने रेस्क्यू कर निकाला सुरक्षित, 1000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग की बहन से अलास्का एयरलाइंस की फ्लाइट में छेड़छाड़, एयरलाइंस ने शुरू की मामले की जांच। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में विराट कोहली का कमाल, टेस्ट में 20वां शतक जमाने के साथ ही क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स में सबसे तेज 16000 रन किए पूरे, मैच में ओपनर मुरली विजय ने भी जड़ा शतक। मैक्स अस्पताल मामले पर बोले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, रिपोर्ट से संतुष्ट न होने पर अस्पताल का लाइसेंस कैंसिल कर सकती है सरकार। दिल्ली में फिर दिखा रफ्तार का कहर, डीटीसी बस और टूरिस्ट बस में टक्कर, 6 लोग जख्मी। साउथ ईस्ट दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में एक नौकरानी की करतूत आई सामने, 5 लाख रुपए न देने पर बुजुर्ग मालकिन पर चाकू से वार किया, मालकिन द्वारा चाकू छीनने की कोशिश में खुद भी जख्मी हुई नौकरानी। घायल होने के बाद नेपसराय के तिगड़ी स्थित अपने घर पहुंची नौकरानी ने आपबीती सुनाई, लेकिन नौकरानी के भाई द्वारा पुलिस में उसके साथ लूटपाट और हमले की जानकारी दिए जाने के बाद जांच में नौकरानी की खुली पोल। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में 11वीं क्लास की छात्रा ने खुदकुशी की, दिल्ली के गाजीपुर में स्कूल में पढ़ा करती थी। गाजियाबाद के कवीनगर थाना क्षेत्र में सुख सागर फार्म हाउस के पास वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने पाया काबू, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। दिल्ली में हिंदूराव अस्पताल के इमरजेंसी गेट के सामने अचानक लगी आग, गेट के सामने जंगलों में आग लगी, आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं। रेवाड़ी के कोसली पहुंचे रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बीजेपी पर निशाना, विकास की नहीं धर्म और जाति की राजनीति करती है बीजेपी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा गुजरात में अच्छा प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस, पहली बार वहां लोग बीजेपी सरकार का कर रहे हैं विरोध। रोहतक से हरिद्वार चलने वाली पहली ट्रेन को हरियाणा के सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, ट्रेन के ड्राइवरों का रोहतक स्टेशन पहुंचने पर स्वागत किया गया। मनीष ग्रोवर ने कहा कि रोहतक से हरिद्वार जाने वाले यात्रियों के लिए ये ट्रेन चलने पर काफी सुविधा होगी, ये ट्रेन शनिवार मंगलवार और वीरवार को रोहतक से हरिद्वार सप्ताह में 3 दिन सुबह 7:10 पर चलेगी। आईपीएस अधिकारी भारती अरोड़ा मानहानी हर जाने मामले में राय से कांग्रेस विधायक जयतीरथ दहिया 5 दिसंबर को चंडीगढ़ जिला कोर्ट में पेश होंगे। भारती के वकील विशाल गर्ग ने बताया कि चंडीगढ़ जिला कोर्ट ने दहिया को 5 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है। चंडीगढ़ के बहुचर्चित जज नोट कांड में फंसी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश निर्मल यादव मामले में 5 दिसंबर को एडीजे आर के जैन की गवाही चंडीगढ़ के सीबीआई कोर्ट में होगी, एक फैसले के बदले 15 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। पूर्व न्यायाधीश के वकील विकास गर्ग ने बताया कि अभी तक इस मामले में 31 गवाहियां हो चुकी हैं, 5 दिसंबर को एडीजे आर के जैन की गवाही चंडीगढ़ के सीबीआई कोर्ट में होगी। फतेहाबाद के सरकारी अस्पताल में महिला डॉक्टर्स की लापरवाही से शिशु की मौत होने का मामला, मृतक बच्चे के परिजनों ने आरोप लगाया, एसएमओ को डॉक्टर्स के खिलाफ शिकायत की। एसएमओ बोले डॉक्टर के नहीं होने के कारण हुई शिशु की मौत, ड्यूटी डॉक्टर से मांगा गया है जवाब, जांच की जा रही है।
यमुनानगर के खिजराबाद में अवैध खनन रोकना पड़ा पुलिस को महंगा। ट्रैक्टर से गिरकर युवक की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए लोगों के बीच गए पुलिस कर्मचारी की भीड़ ने पिटाई कर दी। पिटाई के बाद पुलिस कर्मचारी हुआ बेहोश।